नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सरकारी एफपीओ के बारे में कि बहुत से लोगों की यह क्यूरी है कि सरकारी एफपीओ कैसे रजिस्ट्रेशन होते हैं, उनको कैसे रजिस्टर्ड किया जा सकता है, नॉर्मल व्यक्ति कैसे सरकारी एफपीओ का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो देखिए, सरकारी एफपीओ एक ऐसा एफपीओ होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा सीबीबीओ द्वारा बनाया गया है, ठीक है। सरकारी एफपीओ कोई नहीं होते हैं, सभी जो होते हैं वह प्राइवेटली ही रजिस्टर्ड होते हैं, परंतु उन्हें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो मैनेजमेंट वाला फंड है 18 लाख का, जिसमें उनको सीईओ की सैलरी, अकाउंटेंट की सैलरी, ऑफिस का किराया, स्टेशनरी के खर्चे, ये सब मिला के उन्हें 3 साल तक 18 लाख रुपए प्रदान किए जाने हैं। तो ये वाले जो एफपीओ होते हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम है 10,000 फॉर्मर प्रोड्यूसर कंपनी स्थापित करने की, उस स्कीम के अंतर्गत सीबीबीओ द्वारा ये एफपीओ बनाए जाने हैं। सीबीबीओ जो है वह जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, नाबार्ड, एसएफसी, एनसीडीसी, इनके द्वारा सीबीबीओ को एम्पैनल किया गया है, टेंडर जारी करके उनको अपॉइंट किया गया है। हर एरिया, हर स्टेट और हर डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग अलग सीबीबीओ की स्थापना की गई है। उनके द्वारा ही जो यह एफपीओ हैं वो बनाए जाने हैं और बनाए जा रहे हैं। उन्हीं एफपीओ को जो है 18 लाख रुपए का फंड मिलता है। तो यदि आप भी सीबीबीओ के अंतर्गत बने एफपीओ में जुड़ना चाहते हैं या अपने एफपीओ को उसके अंतर्गत शामिल करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको अपने जिले का, जो जिले की DDA का ऑफिस है, आपके जिला कृषि अधिकारी का ऑफिस है, वहाँ जाके आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, उनके द्वारा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपके एरिया में किस संस्था को सीबीबीओ के रूप में अपॉइंट किया गया है। उससे मिलने के बाद आप वहाँ जो सीबीबीओ के ऑफिसर या अधिकारी हैं जो आपके एरिया में वर्क कर रहे हैं, आप उनसे मिल सकते हैं और उनसे आप उस एफपीओ में जुड़ने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं या उनको प्रपोजल प्रदान कर सकते हैं और उनके साथ मिलकर आप एफपीओ बना सकते हैं। तो दोस्तों, सरकारी एफपीओ कोई भी नहीं होता है, हर एफपीओ जो है कंपनी अधिनियम के अंतर्गत ही रजिस्टर्ड होता है, परंतु जो सीबीबीओ द्वारा एफपीओ बनाए जा रहे हैं उन्हें सिर्फ 18 लाख रुपए का फंड मिलना है। सिर्फ यही एक अंतर है प्राइवेट एफपीओ और सरकारी एफपीओ में, क्योंकि सरकारी एफपीओ वो हो सकते हैं जिनकी, जिसमें शेयर होल्डिंग सरकार की हो, परंतु यहाँ एफपीओ में किसी भी प्रकार से सरकार की कोई शेयर होल्डिंग नहीं होती है, कोई कंट्रोल नहीं होता है। सिर्फ केंद्र सरकार का उद्देश्य यह है कि एफपीओ को प्रमोट करना, उनका सफल संचालन करना, जिससे किसानों का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विकास हो सके। इन सब उद्देश्यों के लिए जो एक्सपीरियंस्ड संस्थाएँ हैं उनको सीबीबीओ के रूप में नियुक्त किया गया है, ताकि उन पर जो एक्सपीरियंस है उसका फ़ायदा लेके किसानों की जो एफपीओ स्थापित होना है उनका सफलतम संचालन किया जा सके। जो एफपीओ के डायरेक्टर्स होते हैं, पूरे राइट्स उनके पास होते हैं, पूरे अधिकार उनके पास होते हैं, कंपनी का एफपीओ का मैनेजमेंट उनके द्वारा किया जाता है। जो सीईओ अपॉइंट होना है वह भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा ही निर्धारित किया जाता है कि किस व्यक्ति को सीईओ अपॉइंट करना है, किस व्यक्ति को अकाउंटेंट अपॉइंट करना है। ये सब जो कार्य हैं यह सब सिर्फ डायरेक्टर द्वारा ही किए जाते हैं, और जो मेन निर्णय है वह कंपनी की साधारण सभा में सदस्यों द्वारा लिए जाते हैं कि किस व्यक्ति को डायरेक्टर अपॉइंट करना है ना, कितना पेट्रोरेंट बोनस देना है, कितने बोनस शेयर इशू करना है। ये जो मेन डिसीजन है ये एनुअल जनरल मीटिंग में, साधारण सभा में सभी सदस्यों द्वारा मिलके लिए जाते हैं। तो देखिए, अभी ये वीडियो में यह क्लियर हो गया है कि कोई भी एफपीओ जो है सरकारी एफपीओ नहीं होता है, सिर्फ सरकार द्वारा जो मदद की जा रही है, जो सीबीबीओ अपॉइंट किए गए हैं उनको जो फंड अलॉट किया गया है एफपीओ को स्थापित करने के लिए, वह फंड सिर्फ इनके द्वारा बनाए गए एफपीओ को ही प्राप्त होता है। तो किसी भी प्रकार का कोई भी सरकारी एफपीओ नहीं होता है। यदि आप सीबीबीओ के माध्यम से जो एफपीओ बनाए जाने हैं उनसे की जानकारी चाहते हैं, तो आप अपने जिला कृषि विकास अधिकारी के वहाँ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या कलेक्टर ऑफिस में जाके वहाँ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट कमेटी बनी है उसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कलेक्टर महोदय होते हैं, उनके पास ये पूरी जानकारी आती है कलेक्टर ऑफिस में कि कौन सी भी, मतलब किस संस्था को सीबीबीओ के रूप में अपॉइंट किया गया है, किस एरिया में किस कमोडिटी पे एफपीओ बनाया जाना है। प्रारंभिक रूप से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के आधार पे सीबीबीओ द्वारा एफपीओ की स्थापना की जानी है, मतलब जो भी आपके ज़िले में प्रोडक्ट नियुक्त किया गया होगा, मतलब चुना गया होगा आपके डिस्ट्रिक्ट के प्रोडक्शन के हिसाब से, उस कमोडिटी पे वर्क करने के लिए सीबीबीओ द्वारा जो है एफपीओ की स्थापना की जाएगी। दोस्तों, ठीक है, दी गई जानकारी उपयोगी हो, महत्वपूर्ण हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, धन्यवाद।